नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ और अब देख रहे खबर दिन भर। खबर दिन भर की शुरुआत करते हैं और बढ़ेंगे खबरों की ओर। बाढ़ के खुफियात भोला सिंह की हत्या की साजिश रचे जाने और घर से AK-47 बरामदगी मामले में पटना के बेरो जेल में बंद बाहुबल विधायक अरुण सिंह की बिगड़ी तबीयत इलाज के लिए पटना के PMCH अस्पताल में कराया गया। बिहार के कैमूर जिला में कार्यपालक सहायक अभियंताओं का हंगामा, नियोजन प्रक्रिया पूरी न होने पर आपदा की दी धमकी, DM को सौंपा गया। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी गड़माहट, सरकार गठन के बाद भी अब तक मंत्रिमंडल का नहीं हुआ है विस्तार। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की सरकार में सब कुछ हो गया होता और बहुत जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस पार्टी के नेता हसीब अहमद पहुंचे कब्रिस्तान, अपने पूर्वजों से पूछा कहां है हमारी नागरिकता के सबूत, वीडियो हुआ वायरल। नागरिकता संशोधन कानून पर नसीरुद्दीन शाह के दिए विरोधी बयान के बाद सोशल मीडिया में जवाबों की लगी झड़ी। इस मामले में दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने दी अपनी प्रतिक्रिया, का देश में आपको इतना कुछ दिया लेकिन आपको ये सब नहीं दिखता। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का पोहा साइंस देश भर में हो रहा वायरल। एक संगोष्ठी के दौरान विजय कैलाश ने कहा था कि वह खाने के स्टाइल को उन्होंने बताया था बांग्लादेशी घुसपैठ के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्वाध्यक्ष के बिगड़े बोल, कहा अगर बर्बाद करने पर आए तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। CAA और NRC पर जताया अपना विरोध। और बेहतरीन कार्य करने के लिए पटना DM कुमार रवि और अररिया SP धूर्त शैली होंगे सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मान, मतदाता दिवस पर इन्हें करेंगे सम्मान। झारखंड सरकार से JVM ने लिया अपना समर्थन वापस और विधायक दल के नेता से हटाए गए प्रदीप यादव, फिलहाल सरकार पर कोई असर नहीं। और निर्भया के गुनहगारों पर जेल प्रशासन कर रहा हर दिन 50,000 रुपए खर्च, डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषियों का बढ़ गया है खर्च। और खबर दिन भर में फिलहाल के इतना ही, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।